उपमंडल आयुक्त जयंत मार्लिकर ने मंगलवार को आयुक्त सभागार में जिलाधिकारी के विजय पांडेयन, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सदर, अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व, अपर निदेशक स्वास्थ्य, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रिंसिपल बीआरडी मेडिकल कॉलेज एवं विभिन्न कार्यों के लिए नामित अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों के साथ बैठक किया तथा निर्देश दिया कि प्रतिदिन 6000 सैंपलिंग की जांच कराना सुनिश्चित कराया जाए तथा 24 घंटे कोरोना जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला में चिन्हित स्थान पर कोरोना जांच कैंप 15 अक्टूबर से संचालित कराया जाए, जिससे कि जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों की कोरोना जांच 24 घंटे हो सके। मंडलायुक्त ने उपलब्ध एमएमयू का सैंपलिंग कार्य में सही प्रकार उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि मोबाइल मेडिकल यूनिट को बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर तैनात कर कोरोना जांच सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ब्लॉकवार पॉजिटिविटी की दर की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना जांच के साथ साथ मरीजों के ब्लड आदि की जांच अनिवार्य रूप से किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि होम आइसोलेशन में रह रहे समस्त संक्रमित व्यक्तियों के यहाँ आरआरटी टीम का भ्रमण सुनिश्चित कराते हुए सिम्पोमेटिक को मारबीट व्यक्तियों को कोविड फैसिलिटी में शिफ्ट किया जाए। फैसिलिटी पर शिफ्ट होने से मना करने वाले व्यक्तियों की सूची एसडीएम को देते हुए उन्हें कोविड फैसिलिटी में शिफ्ट कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में मंडलायुक्त ने कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होकर अपने कार्य पर वापस लौटे जिलाधिकारी के विजय पांडेयन का स्वागत किया और कहा कि जिलाधिकारी के वापस आने पर जिले की टीम को और ताकत मिलेगी, जिससे कोरोना की लड़ाई और मजबूती से लड़ा जाएगा तथा मृत्यु दर को शून्य करने का प्रयास किया जाएगा। और शायद एक दो दिन कुछ फीवर और सूट चोट जैसा सिम्टम आया था, तेज टाइम जब वो गया था, स्मेल गई थी, वो सब रिकवर हो गई सर। मैम की भी रिकवर हो गई और जो बेबी था वो सबसे पहले निगेटिव हुआ था। करते रहे जिससे कि हम लोग अपने काम को और अच्छा दे सकें। आप भी कुछ कहें सर? ये इसी में हमें सीखने के लिए बहुत मिला था, ताकि हम तब साइंस में आता है सर, तब बहुत सारे अनुभव अपने आप आ जाता है। तो सर मैंने मेरा एक ही कंसर्न है सर, ताकि आगे आने वाले जाड़े के पहले हम लोग मौके कैसे बचा सकते हैं, ताकि अभी इंफ्रा भी सही हो गया है सर हम लोग का सारी चीज़। बाकी पैरामीटर में देखें सर, लखनऊ के बाद दूसरा नंबर पर टेस्टिंग में है सर, टेस्टिंग बहुत बढ़िया चल रहा है, हमारा टीम बहुत ही अच्छा है सर, उस पर सेल्फ मोटिवेटेड टीम है। चीफ सेक्रेटरी साहब रोज़ फोन कर देते हैं सुबह सुबह 9 बजे 8 बजे, कहते हैं तो 3 मौतें कैसे होगी, 4 मौतें, वो थोड़ा खराब लगता है सर, गोरखपुर के लिए मौतें हो रही है, वो थोड़ा हम कहीं ना कहीं सर भगवान का कृपा से कंट्रोल कर लेंगे सर, बाकी सारी चीज़ हम लाइन पे आ गए सर। सीएमओ साहब और एडी हेल्थ कहाँ है? सीएमओ साहब ये मानेंगे कि जो आज गोरखपुर नंबर 2 पर है सैंपल टेस्टिंग में, उसमें गौरव का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। 100% सर, ही इन्फेक्टेड हुए, अनुज इन्फेक्टेड हुई हैं, एंड गौरव यहाँ के लोगों की तरफ से आपको भी बहुत बहुत वी एक्सप्रेस सिंसियर ग्रेटिट्यूड एंड सीरियस एंड सिंसियर अप्रिसिएशन जो आपने काम किया है और आप कर रहे हैं लगातार। एक दिन भी मैंने नहीं देखा जब से अनुज इन्फेक्टेड हैं आपने कोई चीज़ की ढिलाई की हो, एंड दीज आर द थिंग्स फॉर मी विच मेक्स एन ऑफिसर एन ऑफिसर। सिर्फ हम एक एग्ज़ाम क्लियर कर लें और एक रैंक आ लें उससे नहीं होता है, आई थिंक लॉट ऑफ हार्डवर्क, कमिटमेंट, डेडिकेशन, जो चीज़ें हम UPSC में बोलते हैं वो जब आप फील्ड में आके दिखाते हैं, दैट इज़ द रियल थिंग, एंड सो वी आर रियली अप्रिशिएट योर वर्क ऑल्सो। CDO इंद्रजीत ने बहुत मेहनत की है जयंत, बीच में विल टॉक, आप पहली बार अभी मिल रहे हैं उतने दिन बाद, तो मैं जस्ट गेटिंग हेवे, लेकिन इंद्रजीत आल्सो हैज बीन वेरी कमिटेड। इंद्रजीत और CMO साहब की पूरी टीम ने मिलके आई थिंक लास्ट 20 दिन में लोगों ने बहुत बहुत संभाल के रखा है, जबकि आप लीडर हैं डिस्ट्रिक्ट के, आप नहीं थे, और आई एम श्योर इंद्रजीत आपसे गाइडेंस फोन पर ले रहे थे, बट देन इंद्रजीत ने बहुत बहुत मेहनत की है, इस नेम ही इज गेटिंग दैट फेम ऑल्सो, मतलब लखनऊ में भी पीपल हैव रिकॉग्नाइज, एंड आई विश दैट आप और आपकी पूरी टीम, यंग ऑफिसर्स, स्वास्थ्य विभाग के लोग, प्रिंसिपल साहब, वी शुड कम टुगेदर वंस अगेन, एंड एज विजेंद्र सेड, वहाँ से मैं पिक करूँगा। सी कल मैं रिपोर्ट्स देख रहा था WHO की, एंड रिपोर्ट सजेस्ट की 5 मेजर कंट्रीज इन यूरोप में स्पाइक हुआ, एंड देन दे कोरिलेटेड इट विद टेम्परेचर राइज, जो यूरोप में 1 से 11 अक्टूबर 12 अक्टूबर के बीच में टेम्परेचर फॉल हुआ है, ठंडक बढ़ी है,
जो ठंडक बढ़ी है उसको वो लिंक कर रहे हैं। कई फैक्टर्स हैं, वी कैन नॉट श्योरली से, बट देन ये समय आ गया है कि मैं समझता हूँ कि आज हम 10वें महीने में हैं, हमने 30वें महीने से लड़ाई शुरू की थी, 8वां महीना है, पर स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज प्रशासन जो DRD प्रिंसिपल के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहा है, बहुत प्रभावी लड़ाई आप लोगों ने भी लड़ी है, डॉक्टर राजकिशोर भी यहाँ है, और ये समय फिर से गियर अप होने का है। आई नो बहुत कठिन है ये कह पाना, क्योंकि आपका नीचे का स्टाफ कहेगा कि अरे हम लोग तो 7 महीने से लड़ रहे हैं, लेकिन नहीं, आई थिंक गोरखपुर जनपद अब हमारा लक्ष्य ये है कि जो वर्स्ट 10-5 में हमारा नाम आ रहा था, हम बाहर आ रहे हैं, 6ठे के कदम पर हैं डेथ में, और मेरा फोकस डेथ पर होगा, बाकी सारी चीज़ें भी पूरा सिस्टम सैंपल टेस्टिंग ऑल दोज थिंग्स फॉल इन लाइन, तो हमारा जो डेथ है वो अपने आप कंट्रोल होने लगेगा। और इसलिए मेरा ये कहना है कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि डेथ में हम वर्स्ट 10 डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाएं, छोटे छोटे गोल बना के हम आगे चलेंगे, और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जाड़े क्या मौसम में क्या कार्रवाई करनी है, कैसे करनी है, उस पर करेंगे। इसलिए 8 बजे आज शाम को विजय हम लोगों ने सिर्फ गैस पर, प्रिंसिपल साहब का जो गैस का इशू है उस पर एक जूम से मीटिंग रखी है, दैट विल रैप अप इन हाफ एन आवर, बट BRD के और इशूज में बाद में लूँगा ना, आई वुड रिक्वेस्ट, और हम लोग यहाँ पर डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के CMO साहब हम लोग रिव्यू करते हैं, उससे भी थोड़ा सा फायदा हुआ है। हम बताएं CMO साहब। सर कल हमारी पॉजिटिव केसेस 96 थे, लेकिन रेशियो वही था कि 2/3 हमारे अर्बन के थे, 65 केसेस अर्बन से पॉजिटिव आए थे, बाकी करी करी के हैं। एक दिन खाली 50-50 हो गया था, 50% वहाँ के थे, 50%। ये हमारा जो पॉजिटिविटी है सर, जैसे 96 कल आया है, लेकिन किसी दिन ये 196 हो जा रहा है, 186 हो जा रहा है, बट नॉट क्रॉसिंग 200, पहले तो 200 अबव ही रहता था। इस वक्त सर हमारे होम आइसोलेशन में 836 फर्स्ट पेज का सर 836 लोग हैं, जो 75% के करीब आता है जो होम आइसोलेशन में है, और टोटल एक्टिव केस 1446। और ये हमारा सर कल आपने एक भेजा था मेरे पास, 10.5 पर केस हमारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐसे दिख रहा है, बट स्टेट इसको 5.6 करके कल भेजा है। तो ये एक कंसर्न था जो हमें गोस्वामी जी ने पहले भी बताया था, तो मेरे ख्याल से जो हमारे केसेस वो हुए हैं, हटे हैं, उसकी वजह से वो संख्या कम हो के ये 5.6 है। ये हमें CDO सर के भी निर्देश हैं कि हम लोग इसको बढ़ाना है, मतलब हमारे कम से कम 10-15 केसेस की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होनी चाहिए एक पॉजिटिव पे। छुट्टी दी है टीम को करीब करीब, और फ्राइडे को दिया है अर्बन की, तो अर्बन में सैम्पलिंग कल संडे में हुई है सर, और कल की सैम्पलिंग टोटल हमारी हुई है 2747, जिसमें 2302